नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है और इस बयान के बाद एमपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि राजा महोदय ध्यान रखिए, हिंदुस्तान में देशभक्तों की शहादत को प्रणाम करना सीख लो वरना मुसीबत में आ जाओगे। देखिए वीडियो। कुछ नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, माफी मांगे नागरिकड़ी और समझ में आ गया कि राम का जो प्रमाण मांगेगा एक दिन उसका ही प्रमाण खत्म हो जाएगा। इसलिए राम के शरणागत होइए और ऐसी राजनीति को त्यागिए जिसमें देश का विरोध हो, राम का विरोध हो, हिंदुत्व का विरोध हो, संस्कृति का विरोध हो, सभ्यता का विरोध हो, और ऐसे लोगों का साथ मत दीजिए जो आतंकवाद का साथ देते हैं। इसलिए आग्रह है राजा महोदय से कि राजा ध्यान रखिए, हिंदुस्तान में देशभक्तों की शहादत को प्रणाम करना सीख लो वरना मुसीबत में आओगे। दरअसल भाजपा विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा सीहोर के किशनगंज गांव में तिरंगा रैली में शामिल होने पहुंचे थे। उसी दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह पर यह बड़ा हमला किया है। दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए जो धनराशि दी है उसी को लेकर जब मीडिया ने रामेश्वर शर्मा से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, माफी मांगी नाक रगड़ी और समझ में आ गया कि राम का जो प्रमाण मांगेगा एक दिन उसका ही प्रमाण खत्म हो जाएगा। इसलिए राम के शरणागत होइए और ऐसी राजनीति को त्याग दीजिए जिसमें देश का विरोध हो, राम का विरोध हो, हिंदुत्व का विरोध हो, संस्कृति का विरोध हो और सभ्यता का विरोध हो। रामेश्वर शर्मा ने आगे कहा कि ऐसे लोगों का साथ मत दीजिए जो आतंकवाद का साथ देते हैं। इसलिए आग्रह है कि राजा महोदय ध्यान रखिए, हिंदुस्तान में देशभक्तों की शहादत को प्रणाम करना सीख लो वरना मुसीबत में आ जाओगे। इसके बाद रामेश्वर शर्मा ध्वजारोहण कार्यक्रम में पहुंचे और वहां पर उन्होंने क्या कहा आइए आपको वो भी सुनाते हैं। वो पानी बरसते में खड़े रहते हैं, वो बर्फ में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, मुकाबला दुश्मन से होता है, माँ के दूध की लाज रखते हैं, गोली सीमा पर खाते हैं, पर तिरंगे को झुकने नहीं देते। और उन पर तुम सवाल कर रहे हो, तुम्हारे सवाल उन पर है, अरे माफ करो, ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान पर, भारत झुकने नहीं देगा। हम आज वादा करते हैं मिलकर जनकी भली सभा में कि पहले राम का मंदिर नहीं, पहले हिंदुस्तान का मंदिर बनाया मोदी जी ने। बताओ बनाया कि नहीं बनाया? वो सीमा पर इसलिए नहीं खड़ा है कि उसे वेतन मिलता है, वो सीमा पर इसलिए खड़ा है कि उसके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है, इसलिए सीमा पर खड़ा है। वो मेरा और तुम्हारे भाई है, वो किसान और मजदूर का बेटा है जो कहता है माँ तेरा वैभव अमर रही माँ, हम दिन चार रहे न रहे, उसके बलबूते पर आज हम कहते हैं कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान। हमारे में चैन की नींद लेते हो, वो पानी बरसते में खड़े रहते हैं, वो बर्फ में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, मुकाबला दुश्मन से होता है, माँ के दूध की लाज रखते हैं, गोली सीमा पर खाते हैं, पर तिरंगे को झुकने नहीं देते। और उन पर तुम सवाल कर रहे हो, तुम्हारे सवाल उन पर है, अरे माफ करो, ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।